मैं यहाँ पे जो है सिक्योरिटी के एसएसपी शुपियान तनुशरी यहाँ पे पहुंच चुकी है। मैडम, बात करना चाहेंगे आपसे, तो किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट से यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे? लोग आम यहाँ पे भी, हमने कई लोगों से बात की है, काफी सहमत है, सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम आ रहे हैं, वोटिंग बढ़ चढ़ कर हो रही है, पहली बार 2019 या 2014 के बाद इस तरह की वोटिंग हो रही है यहाँ पे। सिक्योरिटी के इंतजाम पूरे शोपिया में हमने अच्छे से किया है ताकि लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले, और यह डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है। हम लोग भी पूरे शोपिया में अभी ट्रैवल करके आ रहे हैं, हर जगह अच्छी वोटिंग हो रही है, और वी विल इनकरेज कि और जितने लोग भी हैं अपने इस राइट का जरूर आज इस्तेमाल करें और शोपिया में अच्छे नंबर में वोट करें। काफी संवेदनशील रहा शोपियान, यानी कि अगर मिलिटेंसी के लिहाज से सबसे प्रभावित जिला रहा है, काफी चैलेंजिंग था, तो इस चैलेंजिंग के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेज या पुलिस ने किस तरह की मेहनत की थी जो आज नतीजे निकल? काफी दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी, जो भी ट्रबल मॉन्गर्स हैं उनको अंदर करना और लोगों को एक ऐसा माहौल देना कि डर का माहौल ना रहे और लोग इसमें वोटिंग करने बाहर आए, यही हमारी प्रायोरिटी थी और आज ये देखने में आ रहा है कि लोग अच्छी खासी। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यदि एसएसपी शुभयान, तो इनका ये कहना है कि सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम है और लोग खुलकर इस वक्त वोट डाल रहे हैं और बड़े आसानी से वोट डाल रहे हैं। सिक्योरिटी बिल्कुल किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लगातार जो पुलिस ने मेहनत की वो कहीं ना कहीं, आप जो चाहे सीआरपीएफ हो या आर्मी के जवान हो, तमाम हर जगह पे तैनात है और बड़े अच्छे माहौल में यहाँ पे जो है पोलिंग हो रही है। इरशाद मलिक, न्यूज 18 नेटवर्क, शुपियान।